दोस्तों, स्वागत है आपका विजय ब्लॉग्स में। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही खास है, क्योंकि आज का जो दिन है वो श्री कृष्ण भगवान का दिन है, जन्माष्टमी का दिन है, तो बहुत ही खास होने वाला है ब्लॉग। और देखिए, चलते हैं, आपको ले चलते हैं मेरे घर में। मेरा हमारा जो हमारे बड़े घर का बड़ा बेटा है वो आज श्री कृष्ण भगवान का रूप लेने वाला है। तो चलिए, तैयारियाँ चल रही हैं, मैं दिखाता हूँ आपको ले जाकर किस तरह से वो रेडी हो रहा है। और उसके साथ में उसकी छोटी बहन है, जो अभी उसका जन्म हुआ है, वो भी श्री कृष्ण भगवान का रूप लेने वाली है। तो चलिए, मैं चल के दिखाता हूँ आपको किस तरह से वो श्री कृष्ण भगवान का रूप ले रहे हैं। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी वो रेडी नहीं हुए हैं, कोशिश जा रही है, चल रहे हैं, वो स्टार्टिंग हो रही है। तो अभी उन्हें तैयार किया जा रहा है, मम्मी है वो उसको तैयार कर रही है। चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपने देखा किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। और जो आंसू है, उसका आशुतोष नाम है, तो वो भी तैयारियों में लगा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे वो पीछे पीछे आ रहा है मेरे, आगे में आया था मेरे। चलिए, ये देखिए, मम्मी बैठी हुई है, अंदर की हवा आ रही है। भगवान का रूप ले चुकी है। मैं मंदिर के दुकान के ले गई पकड़ा भाई, अम्मा पति से भी नहीं दे दिया। अच्छी लग रही है परी। जाके तो फोटो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अभी देखे ना कैसी बनी, ये श्री कृष्ण भगवान रूट रूट के बैठ गए। ये ने थोड़ा डर लग रहा है, रूट गए तो ये रूटे हुए हैं। उन्होंने कपड़े तार तार के बैठ गए और राधा जी का रूप लिए हुए परी कुशवा जी। तो दोस्तों, चलते हैं। आज हमारे गांव का जो मंदिर है उस पर जन्माष्टमी तैयारियां चल रही हैं प्रोग्राम की। तो चलिए, मैं आपको मंदिर की सैर कराऊंगा। अपने गांव का जो मंदिर है उस पर उसकी तैयारी, जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है काफ़ी ज़ोर शोर से। तो
तैयारियों में लगे हुए हैं। चलिए दिखाता हूँ आपको। अपने लोगों ने तैयारी कितनी जोर शोर से चल रही है। देव देव काफी